हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2005 में आई एक हाइस्ट मूवी केओस को। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इसे मिक्स रिस्पांस मिला था, लेकिन ऑडियंस ने इसे बहुत ज्यादा पसंद किया है। इस मूवी का सस्पेंस बहुत अनएक्सपेक्टेड था। अगर मेरी बात की जाए तो मुझे ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई थी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम रात के समय तेज बारिश के बीच एक ब्रिज को देखते हैं। तभी उस ब्रिज पर एक कार बहुत तेज रफ्तार से आती है और वहाँ खड़े एक ट्रक से टकराकर क्रैश होती है। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस भी पहुँच गई थी, लेकिन पुलिस के वहाँ आने से पहले उस कार में से एक अफ्रीकन अमेरिकन आदमी निकलता है। पुलिस ने उसे घेर लिया था और यहाँ पता चलता है वो आदमी उस कार को चुरा कर भाग रहा था, लेकिन उस कार में से एक लड़की भी निकलती है। अब पुलिस से बचने वो आदमी उस लड़की को होस्टेज बना लेता है और ये सीन यही कट होता है। कुछ देर बाद मीडिया के जरिए हमें पता चलता है वो अफ्रीकन अमेरिकन आदमी और वो लड़की दोनों ही मर चुके हैं। वो लड़की एक पॉलिटिशियन की बेटी थी। दरअसल ऑफिसर कॉर्नर ने उस आदमी को मारने शूट किया, लेकिन वो बुलेट उस लड़की को लग गई। फिर कुछ न्यूज़पेपर कटिंग के जरिए हमें बताया जाता है कॉर्नर के साथ उसके एक साथी यॉर्क पर उस शूट आउट को लेकर केस किया गया है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर कॉर्नर और यॉर्क के खिलाफ गवाही देता है। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन के कुछ समय बाद कॉर्नर और यॉर्क दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन पुलिस से निकाले जाने के बाद भी कॉर्नर कहता रहा उसने ब्रिज पर सभी रूल्स फॉलो किए और उस लड़की का मरना बस एक एक्सीडेंट था। अगले सीन में हम वॉशिंगटन शहर को देखते हैं। अब कुछ देर बाद एक ब्लैक कार किसी बैंक के सामने आकर रुकती है। उसमें से कुछ आदमी उतरते हैं और अपने बैग्स लेकर बैंक की तरफ बढ़ते हैं। वही बैंक में एक आम दिन था, लोग पैसे डिपॉजिट और विड्रॉ कर रहे थे। अब वो सभी बैंक के अंदर आते हैं, फिर अपने मास्क पहनकर गन्स के साथ थोड़ी ही देर में लोगों को हॉस्टेज बना लेते हैं। अब कुछ ही मिनटों में बैंक उन लोगों के कब्जे में था। उनमें से एक आदमी सभी हॉस्टेजेस के फोन ले लेता है। वो लोग सिक्योरिटी गार्ड्स को भी आसानी से पकड़ लेते हैं। अब उनमें से एक आदमी सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स के पास जाता है। अब उन चोरों का लीडर बैंक मैनेजर के पास आता है। मैनेजर के पास बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम का एक्सेस था। वो मैनेजर को बैंक के सभी दरवाजे लॉक करने कहता है। वही दूसरी तरफ सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स के पास एक आदमी कुछ कर रहा था। वही दूसरी तरफ मैनेजर ने उनके बोलने पर बैंक के सभी एग्जिट बंद कर दिए थे। अब अगले सीन में हम कैप्टन मार्टिन को देखते है। वो कहीं जा रहा था, वहाँ हमें एक लड़की भी दिखाई जाती है। वही दूसरी तरफ बैंक में वो लोग सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को ब्लास्ट कर देते हैं। अब मौका देखते ही एक बैंक एम्प्लॉय अलार्म बजा देता है, लेकिन चोरों में से एक आदमी उसे शूट कर देता है। अब उनका लीडर आकर अपने ही आदमी पर भड़कता है, क्योंकि उसने उस आदमी को अलार्म बजाने से पहले नहीं मारा। अब अलार्म ट्रिगर होने से उन लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं था। वही दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जिसने कैप्टन मार्टिन के साथ यामाकाटा किया था। यहाँ हमें पता चलता है उसका नाम टेडी है और वो भी एक पुलिस डिटेक्टिव है। अब अलार्म बजने से पुलिस वालों ने कुछ ही देर में बैंक को घेर लिया था। फिर वहाँ डिटेक्टिव केलो आता है। ये केस उसके ही हाथ में था। डिटेक्टिव केलो वही है जिसने कॉर्नर के खिलाफ गवाही दी थी। अब पुलिस वालों के नाक में दम करने मीडिया भी वहाँ पहुँच गई थी। बैंक के अंदर से चोरों का लीडर डिटेक्टिव केलो को देख रहा था, जैसे वो उसे पहले से जानता हो। फिर वो अपनी आवाज बदल कर पुलिस को कॉल करता है। बाहर ही पुलिस की टेक्नीशियन वैन खड़ी थी। केलो उससे बात करता है। पहले वो केलो को धमकी देता है वो चुपचाप उसकी डिमांड माने और कोई भी होशियारी करने की कोशिश ना करे, वरना वो हॉस्टेजेस को मारना शुरू कर देगा। अब वो केलो को अपनी पहली डिमांड बताता है। दूसरी तरफ कैप्टन मार्टिन कॉर्नर के घर जाता है। उसके साथ एक लड़का भी था। पहले तो कॉर्नर्स को उससे बात नहीं करनी थी, लेकिन मार्टिन का उससे बात करना जरूरी था। जब वो अंदर आते हैं हम कॉर्नर्स के घर में बहुत सारी किताबें देखते हैं। मार्टिन के साथ डिटेक्टिव शेन था, उसका यहाँ ट्रांसफर हुआ है। अब कॉर्नर्स उससे पूछता है वो यहाँ क्यों आया है। तब मार्टिन बताता है अमेरिकन ग्लोबल बैंक में चोरों ने कब्जा कर लिया है और वो सिर्फ उससे ही बात करना चाहते हैं। इसका मतलब चोरों की लीडर की पहली डिमांड कॉर्नर से बात करनी थी। कॉर्नर्स को पहले यकीन नहीं होता, लेकिन मार्टिन एकदम सीरियस था। इसीलिए सस्पेंड होने के बाद भी मार्टिन कॉर्नर को तुरंत अपॉइंट कर देता है और अब उसका नया पार्टनर शेन होगा। यहाँ मार्टिन कॉर्नर के पुराने पार्टनर का जिक्र भी करता है, लेकिन कॉर्नर को उसके बारे में कोई बात नहीं करनी थी। अब मार्टिन शेन को वही छोड़कर चला जाता है। वही बैंक के सामने स्वॉट टीम भी आ चुकी थी। फिर वहाँ मार्टिन कॉर्नर और शेन पहुंच
पहुंचते हैं। मार्टिन सभी को बताता है कॉनर को वापस ड्यूटी पर रख लिया गया है और अब ये केस भी कॉनर से हैंडल करेगा। लेकिन ये आइडिया केलो को पसंद नहीं आता। यहाँ केलो और कॉनर्स में थोड़ी बहस भी होती है, लेकिन केलो के एतराज करने के बाद भी मार्टिन नहीं मानता और केलो को वहाँ से जाने कहता है। अब वो नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। फिर मार्टिन स्वॉट टीम को ऑर्डर देता है कि वो कॉनर्स के ऑर्डर फॉलो करेंगे। फिर जाते हुए शेन को कॉनर्स पर नजर रखने कहता है। वही अंदर वो लोग कुछ मशीन से दीवार में रस्सी फंसाते हैं। बाहर कॉनर्स को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अंदर 4 से 7 लोग गन्स के साथ है और उन्हें फिलहाल नहीं पता अंदर कितने हॉस्टेजेस है। फिलहाल उन्होंने सिर्फ कॉनर से बात करने की डिमांड की है। अब कुछ देर बाद कॉनर बैंक के अंदर बात करता है, तब वो चोर अपना नाम लॉरेंस बताता है। शेन उन दोनों की बातचीत के की पॉइंट्स को नोट कर रहा था। लॉरेंस बताता है उसने उसे इसीलिए बुलाया क्योंकि उसे कोई ऐसा आदमी चाहिए था जो ऐसी परिस्थितियों से पहले भी गुजर चुका है। फिर लॉरेंस बताता है सभी 40 हॉस्टेजेस सेफ है बस एक को छोड़कर। ये सुनकर कॉनर थोड़ा शॉक होता है, लेकिन लॉरेंस कहता है गलती करने की सजा तो देनी ही पड़ती है क्योंकि हमेशा वैसा नहीं होता जैसा आप प्लान करते हो, क्योंकि केओस के बीच कुछ भी हो सकता है। यह शेन सब कुछ लिख रहा था। अब यहाँ लॉरेंस फोन रखने वाला था, कॉनर्स को उससे और बात करनी थी। तब लॉरेंस कहता है कल सुबह सनराइज तक उसके जाने का कोई प्लान नहीं है और वो नहीं चाहेगा वो इस केस को उस ब्रिज जैसा बना दे। ये सुनकर कॉनर्स को थोड़ा गुस्सा आता है। अब बैंक पर कब्जा किए 2 घंटे हो चुके थे। न्यूज चैनल्स पर बैंक की ही खबर चल रही थी। फिर बैंक के अंदर कुछ लोग कोई इक्विपमेंट लगा रहे थे। अब कुछ देर बाद कॉनर्स अपनी टीम से डिस्कशन करता है। लॉरेंस को पुलिस की चालों के बारे में पहले से पता है। वो अपनी आवाज बदल कर बात कर रहा है, मतलब उसने ये पहले भी किया होगा। साथ ही उसने उन्हें सनराइज का हिंट भी दिया है, मतलब उसे और टाइम चाहिए, लेकिन क्यों? तब शेन कहता है उसे पता नहीं था कॉनर्स इतनी जल्दी आ जाएगा। उसे लगा पुलिस को कॉनर को ढूंढने में पूरा दिन लगेगा और वो अपना काम आसानी से कर लेगा। अब इसीलिए कॉनर्स अंदर जाने का फैसला करता है। स्वॉट टीम ने बैंक को घेरा हुआ था। तब टेडी कॉनर्स को अंदर जाने के बारे में एक बार और सोचने कहती है, लेकिन कॉनर्स उसे ये बोलकर चुप करा देता है कि वो मार्टिन जैसे कमीने के साथ यामाकाटा करने के बाद खुद को आईने में कैसे देख लेती है। अब उसे टेडी की कोई परवाह नहीं थी। अंदर हॉस्टेजेस की जान खतरे में है क्योंकि उसने पहले ही एक आदमी को मार दिया है। अब उन्हें पकड़कर कोर्ट में पेश करने से अच्छा कॉनर चोरों को वही सजा देना चाहता था। फिर कॉनर स्वॉट टीम के कमांडर से बात करता है। उसकी टीम ने बैंक को घेरा हुआ था, लेकिन अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि सभी दरवाजे ऑटोमेटिक लॉक है। उन्हें दरवाजा ब्लास्ट करके अंदर जाना होगा, लेकिन कॉनर्स को कोई ब्लास्ट नहीं करना क्योंकि अंदर हॉस्टेजेस है। लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। तब कॉनर कहता है अगर बैंक के दरवाजे ऑटोमेटिक लॉक है तो वो बैंक का पावर कट कर देते हैं, फिर वो दरवाजों को मैनुअली खोलकर अंदर जा सकते हैं। स्वॉट कमांडर को ये आइडिया ठीक लगता है, इसीलिए कॉनर्स 11:15 पर अंदर जाने का फैसला करता है। अब कुछ समय बाद सभी तैयारियां हो चुकी थी। टेडी बताती है पावर कटने के बाद बैंक के ऑटोमेटिक जनरेटर 5 मिनट में शुरू हो जाएंगे, लेकिन कॉनर्स के लिए इतना समय काफी था। वो सभी को ऑर्डर देता है पावर कट होने के बाद सभी उसके इशारे का इंतजार करेंगे, उसके ऑर्डर के बिना कोई अंदर नहीं जाएगा। वही बैंक के अंदर सभी लोग घबराए हुए बैठे थे। तब वो एक आदमी और औरत को अपने साथ ले जाते हैं। वही बाहर पुलिस ऑफिसर स्वॉट टीम के साथ बैंक के दरवाजों के पास आ चुके थे, लेकिन लॉरेंस को देखकर लगता है वो पुलिस के ही आने का इंतजार कर रहा था। वही बाहर पुलिस और स्वॉट टीम अपनी अपनी पोजीशन पर पहुंच गए थे। अब 11:15 ही कॉनर पावर कट करवाता है, लेकिन लॉरेंस भी रेडी था। उसके बोलते ही उसके आदमी 2 हॉस्टेजेस को खिड़की से उल्टा लटका देते हैं। ये देखकर कॉनर्स और शेन शॉक थे। वही मीडिया वालों को एक और सनसनीखेज खबर मिल गई थी। कॉनर स्वॉट टीम को अपनी पोजीशन पर ही रहने कहता है क्योंकि ये एक ट्रैप था, लेकिन कमांडर उसकी बात ही नहीं मानता। कॉनर लगातार उसे अंदर जाने से मना कर रहा था, लेकिन कमांडर उसकी बात मानता ही नहीं। अब जैसे ही उसके आदमी बैंक के दरवाजे के पास जाते हैं, वहाँ लगे बम ब्लास्ट होने लगते हैं और इतना ही नहीं चारों तरफ ब्लास्ट होने लगते हैं। यहाँ तक कि जिस कार में वो आए थे वो भी ब्लास्ट हो जाती है, जिससे बाहर केओस और अफरा तफरी मच जाती है। सब शांत होने पर सभी देखते हैं सभी हॉस्टेजेस बाहर आ रहे हैं। तब शेन और कॉनर सभी हॉस्टेजेस को पकड़ने बोल रहे थे क्योंकि उनमें ही बैंक रॉबर भी है। अब शेन और कॉनर अंदर जाते हैं। ब्लास्ट से बैंक पूरी तरह बर्बाद हो गया था। अब कॉनर और बाकी पुलिस ऑफिसर रॉबर्ट्स को बैंक में ढूंढ रहे थे, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। स्वॉट टीम कमांडर को वहाँ ग्लव मास्क और वेस्ट मिली थी। इसका मतलब रॉबर ब्लास्ट के बाद हॉस्टेजेस की भीड़ में मिलकर बाहर भाग गए, मतलब उनका प्लान फुल प्रूफ था। अब कुछ लोगों को चोट आई थी। कॉनर्स का कलीग विंसेंट बताता है एक बैंक एम्प्लॉय की मौत हुई है, ऊपर जो दोनों लटके थे वो भी ठीक है। स्वॉट टीम के कुछ लोग बस थोड़े जख्मी हुए है। अब कॉनर उससे सभी हॉस्टेजेस की हिस्ट्री पता करने कहता है क्योंकि अब सभी हॉस्टेजेस सस्पेक्ट है। वही बाहर शेन उनके
टेक्नीशियन डेक्स से कॉनर और लॉरेंस की बातचीत को फिर से सुनाने कहता है। अब अंदर उनका टेक्नीशियन डेक्स कॉनर को बैंक की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। उसमें से एक कैमरा चल नहीं रहा था क्योंकि वो डिपॉजिट बॉक्स के पास के धमाके से डैमेज हो गया है। फिर 2 घंटे बाद पावर कट होते ही सभी कैमरास भी बंद हो गए। कॉनर उसे 2 घंटों की फुटेज एनालाइज करने कहता है ताकि उन्हें कुछ पता चल सके। तब डेक्स आइडिया देता है, बैंक के बाहर न्यूज चैनल्स के बहुत सारे कैमरास थे, उनमें से किसी एक में तो वो रॉबर्स भागते हुए दिखाई दिए होंगे। फिर टेडी कॉनर्स को बुलाती है क्योंकि वहाँ कैप्टन मार्टिन आया था। वही बाहर शेन लॉरेंस की कही सभी बातों को एनालाइज कर रहा था। वही अंदर कॉनर्स को कुछ ऑफिसर्स बताते हैं मिडल ईस्ट का एक बहुत अमीर प्रिंस है। कुछ दिन पहले ऐसी ही एक और चोरी किसी दूसरे शहर में हुई थी। उस बैंक में भी उस प्रिंस का सेफ डिपॉजिट बॉक्स था और उस प्रिंस का एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स इस बैंक में भी है। तो हो सकता है चोरों ने प्रिंस के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को निशाना बनाया हो। अब सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स प्राइवेट होते हैं, इसीलिए बैंक उनका रिकॉर्ड नहीं रखती। यहाँ सबसे अजीब बात तो ये थी, उन्होंने बैंक के पैसों को हाथ तक नहीं लगाया। मतलब वो बैंक में घुसे, लोगों को हॉस्टेज बनाया, बैंक में ब्लास्ट किया, लेकिन कुछ भी चुराए भी नहीं चले गए। अब उन लोगों के जाने के बाद मार्टिन कॉनर्स पर भड़क रहा था, लेकिन वो उसके पास आए थे, कॉनर उनके पास नहीं आया था। अब मार्टिन उसे साफ साफ बोल देता है अगर उस पर उंगलियां उठी तो वो कॉनर्स को आगे कर देगा, क्योंकि किसी न किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। वही बाहर शेन अभी भी लॉरेंस की बातें सुन रहा था। उसका सबसे ज्यादा ध्यान उस लाइन ने खींचा था जिसमें लॉरेंस बोल रहा था ये सब केओस उनसे करवाता है। अब शेन कॉनर्स के पास जाकर पूछता है क्या उसे केओस थ्योरी के बारे में पता है। अब एक रेस्टोरेंट में शेन कॉनर्स को बताता है एडवर्ड लॉरेंस ने 1960 में केओस थ्योरी इन्वेंट की थी। केओस थ्योरी के मुताबिक बहुत सारी अलग अलग घटनाएं होती है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है सभी घटनाएं आपस में मैनुअली जुड़ी होती है। कॉनर्स को ये समझ नहीं आता। तब शेन उसे समझाता है पहले सभी रैंडम घटनाएं होती है जिनका एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन उन्हें स्टडी करने पर समझ में आता है सभी घटनाएं आपस में जुड़ी होती है। पहले कॉनर्स शेन की बातों से काफी इम्प्रेस नजर आता है, लेकिन बाद में उसकी थ्योरी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। कॉनर्स उससे उसके बारे में पूछता है कि वो पुलिस में कैसे आया। तब शेन जवाब देता है ये उनका फैमिली बिजनेस है। कॉनर्स उसकी बाकी बातें ना सुनते हुए उसे खुद के बारे में बताने कहता है क्योंकि अब वो पार्टनर है और उन्हें एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए। शेन उसकी बातें सीरियसली नहीं ले रहा था। तब कॉनर उससे कहता है जो हालात उसने देखे है जब वो उन्हें देखेगा तब उसे समझ में आएगा कि कॉनर्स की रेपुटेशन ऐसी क्यों बनी है, और अभी वो नया है तो उसे अपने सीनियर से बहस करने के बजाय उन्हें देखकर काम सीखना चाहिए। तभी विंसेंट कॉनर को बुलाता है क्योंकि उसे कुछ मिला है। अब जाने से पहले कॉनर रेस्टोरेंट के बिल के लिए पूरे $10 का नोट रखता है, जबकि बिल $10 का नहीं हुआ था। कॉनर कहता है उसे $10 की चिल्लर अपने पर्स में रखना पसंद नहीं, लेकिन शेन बिल के पैसे देकर $10 का नोट अपने पास रख लेता है। दरअसल एक न्यूज चैनल के कैमरा में विंसेंट को डेमन नाम का एक आदमी दिखा है। वो आदमी एक क्रिमिनल है जिसे उसने 2 साल पहले अंदर किया था, लेकिन वो अपने साथियों के खिलाफ गवाही देकर बाहर आ गया। विंसेंट को याद था यहाँ शहर में उसकी एक गर्लफ्रेंड है। अब चारों उस लड़की के घर पहुँचते हैं, लेकिन कॉनर को अंदर से कुछ आवाज आती है। उनके थोड़ा साइड में हटते ही अंदर से कोई शूट करता है। दरवाजा खोलते ही कॉनर देखता है एक आदमी भाग रहा है। अब सभी अंदर जाते हैं। अब यहाँ उस आदमी और उन लोगों में थोड़ा शूट आउट होता है। तब शेन उसके बाहर भागने से पहले उसे कंधे पर शूट कर देता है, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड शेन पर हमला कर देती है। इस बीच वो आदमी बाहर भाग जाता है, लेकिन वहाँ विंसेंट आकर उस लड़की को पकड़ लेता है और शेन डेमन के पीछे जाता है। अब डेमन अपनी कार से भाग रहा था। शेन उसके सामने पहुंचकर उस पर शूट करता है, लेकिन वो नहीं रुकता, इसीलिए शेन एक बाइक लेकर उसका पीछा करना शुरू करता है। अब यहाँ एक लंबा चेस सीन होता है। शेन उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आखिर में शेन की बाइक गिर जाती है। अब डेमन भाग रहा था, लेकिन तभी एक पुलिस की कार उसे टक्कर मारती है। शेन देखता है उस कार में से कॉनर निकलता है और डेमन के पास जाकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। अब कुछ देर बाद पुलिस की बाकी टीम आकर उस घर को चेक कर रही थी। टेडी कॉनर को बताती है डेमन अभी हॉस्पिटल में है, उसके सिर पर चोट लगी है लेकिन वो ठीक है। तब शेन आकर बताता है डेमन की गर्लफ्रेंड 2 बच्चों की माँ है और उसे रॉबरी के बारे में कुछ नहीं पता। तब कॉनर विंसेंट को कहता है वो डेमन की गर्लफ्रेंड को इंट्रोगेशन सेल में डलवा कर वहाँ का AC बढ़ा दे, वो बाद में आकर उससे पूछताछ करेगा। तभी विंसेंट शेन से माफी मांगता है क्योंकि उसने उसे पहले नहीं पहचाना। विंसेंट ने शेन के डैड के साथ काम किया था जो एक हीरो माने जाते हैं। तब कॉनर्स को पता चलता है शेन के डैड हैरी डेकर थे जो अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद हुए थे। तभी उन्हें फॉरेंसिक ऑफिसर बुलाती है। वो शेन को देखते ही उस पर लाइन मारती है, फिर उन्हें एक पैसों का बैग दिखाती है। सबको लगता है ये उसका कट होगा, लेकिन वो लड़की बताती है ये पैसे उस बैंक के नहीं है जिसमें सुबह चोरी हुई है, क्योंकि थोड़ी जांच करने के बाद उन्हें पता चला ये किसी फाइनेंस कंपनी का पैसा है। कुछ दिन पहले वहाँ $1 million की चोरी हुई थी, लेकिन
लेकिन चोर पकड़े गए थे और उनके पास $4,00,000 मिले। अभी वो जेल में है और अभी उनकी केस चल ही रही है। साथ ही वो बताती है उन पैसों में से एक अलग ही स्मेल आ रही है। दरअसल अब जब भी कोई एविडेंस मिलता है पुलिस वाले उस पर एक स्प्रे करते हैं ताकि उन्हें आसानी से समझ में आ जाए ये एविडेंस है। इसका मतलब ये पैसे अभी पुलिस के एविडेंस रूम में होने चाहिए। कॉनर्स को इस स्प्रे के बारे में पता नहीं था क्योंकि ये बस कुछ महीनों पहले ही शुरू हुआ है। फिर कॉनर्स टेडी और विंसेंट से पूछता है उस फाइनेंस कंपनी में हुई चोरी के केस को किसने हैंडल किया था। टेडी बताती है उस केस को केलो ने हैंडल किया था। केलो वही ऑफिसर है जिसकी जगह कॉनर्स को लाया गया था। बाद में कॉनर्स शेन से कहता है उसे पहले लगा वो कैप्टन मार्टिन का कोई रिश्तेदार है लेकिन उसे पता है शेन के डैड एक हीरो थे। वही इंटरोगेशन रूम में तेज ठंड के बीच डेमन की गर्लफ्रेंड जीमा बैठी थी। फिर वहाँ कॉनर्स आता है लेकिन वो कुछ भी पता होने से मना कर रही थी और वो पैसे भी उसके नहीं डेमन के थे लेकिन उन्हें उसके घर पर कपड़ों से भरा बैग मिला है। वो बताती है क्योंकि वो वेकेशन पर जा रही थी लेकिन कॉनर्स के बहुत पूछने के बाद भी वो कुछ बता नहीं रही थी। तब कॉनर उसे धमकी देता है वो चिल्ड्रन सर्विस को कॉल करके बता देगा कि वे क्रिमिनल का साथ दे रही है। तब चिल्ड्रन सर्विस वाले उससे उसके बच्चे छीन लेंगे। वो पहले कॉनर्स पर भड़कती है लेकिन कॉनर्स उसे धमकी देता है अगर उसने उसे सच नहीं बताया तो वो उसके बच्चों को छीन लेगा। अब कुछ देर बाद कॉनर्स और शेन आपस में बात करते हैं क्योंकि जीमा के बयान से उन्हें कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तभी वहाँ टेडी आकर बताती है उनके रिकॉर्ड के हिसाब से वो पैसे उनके एविडेंस रूम में ही होने चाहिए। अब कॉनर्स और शेन एविडेंस रूम में जाते हैं। एविडेंस रूम को एक हैरी नाम का ऑफिसर संभालता था। वो कॉनर्स को वहाँ देख कर थोड़ा सरप्राइज होता है। अब वो उनकी एंट्री करके उन्हें अंदर आने देता है। कॉनर्स शेन को बताता है इस रिकॉर्ड रूम में अरबों का सामान रखा है, इसे लूटने वाला अमीर हो जाएगा लेकिन यहाँ चोरी करने हिम्मत चाहिए। लेकिन कॉनर्स कहता है किसी पुलिस वाले को नहीं, वो बस एविडेंस रूम में आकर कोई भी चीज ले जा सकता है। तब उन्हें दिखाई देता है वहाँ फाइनेंस कंपनी के पैसों का बैग नहीं है। अब वो हैरी से पूछते हैं, एंट्री रजिस्टर में उन्हें दिखता है उस बैग को केलो ही ले गया है। वो उसे अच्छे से याद करने कहता है लेकिन यहाँ रोज बहुत लोग आते थे, वो हर किसी को याद नहीं रख सकता। वो कहता है अगर यहाँ केलो के सिग्नेचर है तो उन पैसों के बैग को केलो ही ले गया होगा। अब पूरी टीम कैप्टन मार्टिन के साथ मीटिंग करती है क्योंकि 3 हफ्तों पहले केलो उस बैग को रिकॉर्ड रूम से ले गया था। टेडी बताती है उस बैग में $4,50,000 थे। विंसेंट कहता है आज की बैंक रॉबरी में केलो का हाथ हो सकता है क्योंकि उसे पुलिस प्रोटोकॉल के बारे में बहुत अच्छे से पता है। साथ ही जब कॉनर्स ने उसे रिप्लेस किया तब वो बहुत भड़क भी गया था लेकिन मार्टिन के ये समझ नहीं आता ये सब करने केलो के पास वजह क्या रही होगी। विंसेंट बताता है जब से उसने कॉनर के खिलाफ गवाही दी थी उसके ऊपर बहुत प्रेशर था, सभी ऑफिसर उससे नाराज थे। तब यहाँ टेडी बताती है काम के अलावा केलो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी परेशान था क्योंकि कुछ समय पहले उसने टेडी को बताया था उसका डायवोर्स होने वाला है और उसे एक अच्छे वकील की जरूरत है। अब सारे सबूत केलो के ही तरफ इशारा कर रहे थे लेकिन फिर भी कैप्टन मार्टिन मान नहीं रहा था क्योंकि केलो एक बहुत ही अच्छा पुलिस ऑफिसर है, उसका रिकॉर्ड भी बहुत साफ है। यहाँ शेन भी मार्टिन की बात से सहमत था क्योंकि अगर केलो इस रॉबरी में शामिल था तो चोरों के लीडर लॉरेंस ने केलो को केस हैंडल करने क्यों नहीं पूछा, वो कॉनर्स की जगह केलो से भी बात कर सकता था, इससे तो उनकी चोरी और आसान हो जाती। तभी कैप्टन मार्टिन को किसी का कॉल आता है। तुरंत सभी एक घर के पास पहुंचते हैं, वहाँ पहले से पुलिस आ चुकी थी। ये घर केलो का ही था और गेस व्हाट, केलो अपने ही घर में मरा पड़ा था। उसकी बीवी जब घर आई उसे केलो की लाश दिखी। किसी भी पड़ोसी ने किसी को जबरदस्ती घर में घुसते हुए नहीं देखा, ना ही कोई आवाज सुनी। तभी विंसेंट कुछ लेकर आता है, उसके पास बैंक के ब्लूप्रिंट और प्रिंस के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स पर लिखे कई सारे आर्टिकल थे, मतलब इस रॉबरी के पीछे केलो ही था। तभी वहाँ मार्टिन आता है और तभी वहाँ केलो के घर के फोन पर एक कॉल आता है। दूसरी तरफ से लॉरेंस कॉनर का नाम लेकर बात करता है। जैसे उसे पता है कॉनर अभी केलो के घर में ही है, लॉरेंस उसे केस सॉल्व करने के लिए गुड लक करता है। साथ ही उससे कहता है वो उससे बदला लेकर रहेगा। जब कॉनर उससे बात करने जाता है लॉरेंस कॉल रख देता है। तब हम लॉरेंस के पीछे कॉनर्स के न्यूज की बहुत सारी पेपर कटिंग देखते हैं, मतलब वो बहुत पहले से कॉनर पर नजर रख रहा है और ये सब वो कॉनर से बदला लेने ही कर रहा है। बाहर कॉनर शेन को बताता है उन्होंने केलो को रॉबरी का प्लान बताया होगा लेकिन उनका असली प्लान तो कुछ और ही रहा होगा, इसीलिए उसने इस केस के लिए केलो को नहीं बुलाया। शेन को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि केलो इस चोरी में मिला हुआ था। वो कहता है केलो इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, लेकिन कॉनर्स कहता है कॉप्स इससे भी बड़े लालच का शिकार हो सकते हैं। पुलिस वाले सोचते हैं वो गन ड्रग क्राइम से दूर रह सकते हैं लेकिन पुलिस वाले भी इंसान होते हैं, कोई संत नहीं। तभी मार्टिन उन्हें एक और इन्फॉर्मेशन देता है जिससे ये केस और उलझ जाता है। दरअसल उसे पता चला है 2 महीने पहले जब उस मिडल ईस्ट के प्रिंस के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को लूटा गया था तब ही उसने अमेरिका में मौजूद अपने सभी सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स खाली
खाली करवा लिए थे, मतलब उसका बॉक्स खाली था। अब इस बात का कोई सेंस नहीं बन रहा था। वो रॉबर्ट्स बैंक में घुसे, लोगों को हॉस्टेज बनाया, ब्लास्ट किया और बिना कुछ लिए ही चले गए। ये शेन को बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन कॉनर्स कहता है आज सुबह से ही बहुत सारी अजीब चीजें हो रही है। अब उनकी इन्वेस्टिगेशन केलो तक आकर रुक चुकी थी। इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन करने उनके पास कोई सुराग ही नहीं है, क्योंकि केलो मर चुका है। तब शेन अपने चारों तरफ देखकर बड़बड़ाता है, अगर तुम्हें आगे का रास्ता ना दिख रहा हो और समझ ना आए आगे क्या करना है तो वही लौट जाओ जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। मार्टिन उससे पूछता है वो कहना क्या चाहता है। शेन कहता है उन्हें वहाँ से शुरू करना चाहिए जहाँ से ये सब शुरू हुआ है, मतलब उन्हें वापस बैंक जाना चाहिए। अब वो बैंक वापस आते हैं, लेकिन डेक्स ने उन सीसीटीवी फुटेज को कई बार देखा है। उसे अभी तक समझ नहीं आया वो रॉबर्ट्स आखिर बैंक में कर क्या रहे थे। तब शेन की नजर एक कैमरा की फुटेज पर जाती है, क्योंकि बाकी सभी कैमराज अपनी जगह फिक्स थे, लेकिन ये कैमरा हिल रहा था। शेन तुरंत फुटेज को रिवाइंड करवाता है। कॉनर भी शेन की इंटेलिजेंस देखकर काफी इंप्रेस था। तब उन्हें दिखाई देता है एक चोर के कंप्यूटर के पास जाने के बाद वो कैमरा नीचे हो गया और अब उन्हें कंप्यूटर दिखाई नहीं दे रहे, मतलब चोर उनसे ये छुपाना चाहते हैं। अब वो उस कंप्यूटर के फिंगरप्रिंट निकलवा रहे थे। तब शेन कॉनर से पूछता है उसे फिक्र नहीं हो रही क्योंकि लॉरेंस ने उसे धमकी दी है, लेकिन कॉनर्स को किसी की भी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें उस कंप्यूटर पर बहुत सारे फिंगरप्रिंट मिलते हैं। कॉनर सभी फिंगरप्रिंट को चेक करवाने कहता है क्योंकि उनमें से कोई रॉबर हो सकता है। साथ ही डेक्स को इस बैंक के सिस्टम को हैक करने कहता है ताकि उन्हें पता चले आखिर रॉबर्ट्स ने किया क्या है। जब तक चारों डिनर करने जाते हैं, विंसेंट शेन से पूछता है वो केलो के घर के सामने क्या बोल रहा था। तब शेन बताता है ये गौतम बुद्ध ने कहा था, अगर आपको आगे का रास्ता ना दिखाई दे और समझ ना आए अब क्या करना है तो वही लौट जाओ जहाँ से शुरू किया था। अब उनके बात करने तक कॉनर्स वॉशरूम जाता है। यहाँ शेन को समझ में आ गया था विंसेंट, टेडी और कॉनर बहुत पुराने दोस्त है। टेडी बताती है उन्होंने बहुत सारे केसेस पर साथ में काम किया है। विंसेंट बताता है कॉनर एक बहुत ही बढ़िया डिटेक्टिव है, अगर उनमें से कोई मर जाता तो सिर्फ कॉनर ही उन्हें संभालता। टीवी और न्यूज ने तो बस उसकी बदनामी की है, लेकिन इससे कॉनर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो हमेशा से अपने इमोशंस को लेकर स्ट्रांग रहा है। आज भी जब बैंक के बाहर सब घबरा रहे थे तब सिर्फ कॉनर्स ही था जो बिल्कुल काम डाउन था। तभी टेडी उठकर बाथरूम के बाहर कॉनर्स से मिलकर उसे किस करने लगती है, लेकिन जैसा विंसेंट ने कहा था कॉनर्स अपने इमोशंस को लेकर बहुत स्ट्रांग है। वो टेडी को दूर कर देता है। टेडी को उसकी गलती का एहसास हो गया था, उसे कॉनर्स का साथ देना चाहिए था, लेकिन अब कॉनर्स नहीं मानता क्योंकि जब उसे उसकी जरूरत थी तब टेडी ने उसका साथ नहीं दिया और अब वो मूव ऑन कर चुका है। तभी वहाँ शेन आता है क्योंकि उन्हें बैंक के कंप्यूटर पर मिले फिंगरप्रिंट का मैच मिल गया है। बैंक के कंप्यूटर पर उन्हें ली नाम के एक हैकर के फिंगरप्रिंट मिले है। उसे कुछ साल पहले कॉनर और उसके पुराने पार्टनर यॉर्क ने पकड़ा था, लेकिन उसके लॉयर ने उन पर ही केस कर दिया कि वो एविडेंस प्लांट करते हैं और कोर्ट ने उनकी बात मान ली क्योंकि कुछ समय बाद ही वो ब्रिज वाला हादसा हो गया। कॉनर बताता है परेशानी आने पर सोल्यूशन भी खुद ही ढूंढना पड़ता है। शेन को लगता है इसीलिए वो रूल तोड़ता है, लेकिन कॉनर्स रूल नहीं तोड़ता, बस उन्हें मोड़ता है ताकि जस्टिस मिल सके। फिर हम उस हैकर ली को देखते हैं, वो अपने सिस्टम में कुछ कर रहा था, साथ ही वहाँ लॉरेंस भी था, लेकिन बाहर कॉनर और शेन आ चुके थे। ली उन्हें देख लेता है, इसीलिए लॉरेंस ली को शूट कर देता है। बाहर दोनों को गन शॉट की आवाज आती है। अब तुरंत दोनों घर के अंदर जाते हैं। अब दोनों अलग अलग होकर घर चेक कर रहे थे, लेकिन शेन के पीछे लॉरेंस था। कॉनर्स को ली की डेड बॉडी मिलती है, लेकिन तभी वो मॉनिटर में देखता है शेन के पीछे लॉरेंस है। वो तुरंत शेन को बचाने भागता है। लॉरेंस शेन को शूट करता है, लेकिन कॉनर सही समय पर आकर उसे बचा लेता है। उसे बुलेट छू कर निकली थी। वो तुरंत लॉरेंस के पीछे जाते हैं। यहाँ उनके बीच थोड़ी गन फाइट होती है, लेकिन उनके बाहर निकलने से पहले लॉरेंस अपनी कार से वहाँ से भाग जाता है। अब कुछ देर बाद वहाँ पुलिस पहुँच चुकी थी। शेन के हाथ से गोली छू कर निकली थी। तभी एक ऑफिसर बताता है डेमन को होश आ गया है। अब दोनों हॉस्पिटल में डेमन के पास पहुँचते हैं। डेमन वही आदमी है जिसे कॉनर ने चोरी के बाद पकड़ा था। कॉनर्स डेमन को बताता है उस पर मर्डर और रॉबरी का केस लगा है, लेकिन फिर भी वो कुछ बता नहीं रहा था। तब शेन उससे बात करता है। शेन उसे धमकी देता है अगर उसने उन्हें सच नहीं बताया तो वो उसकी ग्लूकोज में मॉर्फिन डाल देगा, जिसके ओवरडोज से कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाएगी, और वैसे भी उसके जैसा चोर और खूनी मर भी गया तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। तब डरकर डेमन उन्हें सब सच बता देता है। बाहर निकलकर कॉनर शेन की तारीफ करता है क्योंकि उसने डेमन का मुंह खुलवा दिया था, लेकिन कॉनर्स ने कभी किसी को ओवरडोज नहीं दिया। लेकिन शेन बताता है वो मॉर्फिन नहीं बस दवा थी, उससे डेमन कभी नहीं मरता क्योंकि जैसा कॉनर ने कहा था वो रूल तोड़ता नहीं बस मोड़ता है। शेन का IQ देखकर कॉनर्स भी काफी इंप्रेस था। बाद में कैप्टन मार्टिन
पूरी टीम को बताता है। डेमन ने उन्हें बताया है लॉरेंस का असली नाम स्कॉट कर्टिस है। उसने अब तक ऐसी 3 बैंक रॉबरी की है और वो जॉन कर्टिस का भाई है जिसे मूवी की शुरुआत में कॉनर्स ने ब्रिज पर मारा था, इसीलिए वो बोल रहा था उसे कॉनर्स से बदला लेना है। साथ ही उन्हें बाकी 2 लोगों के नाम भी पता चल गए है, वो आज रात कहीं मिलने वाले है। अब जैसा कैलो और लीको स्कॉट ने मार दिया है, इसका साफ मतलब है कि वो अपने साथियों को एक एक करके मार रहा है और आज उसने बाकी बचे 2 आदमियों को मारने का भी प्लान बनाया होगा। बाद में कॉनर शेन से कहता है उस रात जॉन कर्टिस पर खून सवार था, उसने उसे गन नीचे करने कहा लेकिन वो नहीं माना, तब उसने गोली चला दी लेकिन बुलेट उस लड़की को लग गई। यहाँ शेन बताता है एक लड़का दुकान लूट रहा था, उसके डैड उसे रोकने गए लेकिन उसने उन्हें गोली मार दी, तब वो 12 साल का था। इन सबसे शेन इतना तो समझ गया था कॉनर्स ने उस ब्रिज पर उस लड़की की मदद करने की कोशिश की थी लेकिन वो उसकी मदद नहीं करता, तब भी वो लड़की बच नहीं पाती। दोनों की बातों से हमें समझ में आता है अब दोनों एक दूसरे को समझने लगे हैं। फिर हम एक घर के बाहर उन दोनों आदमियों को देखते हैं। उन दोनों पर कॉनर्स, शेन और बाकी पुलिस वालों ने नजर रखी थी। वो स्कॉट के वहाँ आने का इंतजार कर रहे थे, उन्हें वेट करते हुए 1/2 घंटा हो गया था। बाकी ऑफिसर जाकर दोनों को पकड़ने बोल रहे थे लेकिन कॉनर्स को स्कॉट चाहिए था, इन दोनों को तो वो वैसे भी पकड़ लेंगे, इसीलिए कॉनर उसके बोले बिना किसी को भी अंदर जाने से मना करता है। लेकिन तभी टेडी का मोबाइल बज जाता है जिसकी आवाज दोनों सुन लेते हैं और उस तरफ फायर करने लगते हैं। अब बाकी पुलिस वाले भी बाहर निकल कर उन पर काउंटर फायर करते हैं। वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। कॉनर शेन को दूसरी तरफ से जाने कहता है और खुद ऑफिसर के साथ घर के अंदर जाता है। विंसेंट और टेडी अंदर दोनों को ढूंढ रहे थे, तब उन्हें एक कमरे के अंदर कॉनर के ऊपर की गई पूरी रिसर्च दिखती है। फिर दूसरे कमरे से उन पर एक आदमी हमला कर देता है। गन शॉट की आवाज सुनकर शेन भी उस तरफ आता है। वही ऊपर कॉनर पर दूसरा आदमी गोली चलाता है, वही नीचे टेडी उसे शूट कर देती है। वही ऊपर कॉनर और उस आदमी की बाथरूम में फाइट होती है, वो दोनों आपस में लड़ रहे थे लेकिन नीचे टेडी को दिखाई देता है इस घर में बम लगा है और सिर्फ 10 सेकंड बाकी है। वो तुरंत बाहर आते हैं, शेन भी उसी तरफ आ रहा था। टेडी उसे नीचे झुकने कहती है और वो बम ब्लास्ट होता है। तभी वहाँ पुलिस का बैकअप भी आ जाता है। वहीं ऊपर कॉनर्स उस आदमी को ओवरपावर कर देता है लेकिन उस आदमी को बेहोश करते ही वो घर पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है और इस ब्लास्ट में कॉनर भी मारा जाता है। कहीं दूर से स्क्वाड भी ये देख रहा था, मतलब ये सब उसका ही प्लान था। अब कुछ देर बाद वहाँ फायर फाइटर्स और एम्बुलेंस आ चुकी थी। कुछ देर बाद पुलिस को कॉनर्स की जली हुई लाश मिलती है जिस पर कॉनर्स का पुलिस बैच था। फिर टेडी और शेन के सामने से कॉनर्स की बॉडी ले जाई जाती है। वह कैप्टन मार्टिन बाकी पुलिस वालों को ज्ञान दे रहा था लेकिन टेडी उससे कहती है वो तो यही चाहता था क्योंकि वो हमेशा से कॉनर्स से जलता आया है, क्योंकि कॉनर्स हमेशा से बेहतरीन कॉप और एक अच्छा इंसान था। ये सब सुनकर मार्टिन टेडी को घर जाने कहता है। साथ ही शेन भी टेडी की बातों से बिल्कुल सहमत था। टेडी शेन से कहती है बिल्कुल सही था, उन्हें घर के अंदर जाना ही नहीं था। अब शेन निराश होकर अपने टेबल पर बैठा था, तब वहाँ डेक्स आता है। उसके पास बहुत सारे पेपर्स थे। डेक्स बताता है जब भी बैंक में ट्रांजेक्शन होते हैं 300 से 400 रिकॉर्ड प्रिंट होते हैं लेकिन आज 3000 प्रिंट हुए हैं। शेन को इसका मतलब समझ नहीं आता। तब डेक्स बताता है बैंक के इतिहास में सबसे बड़ी चोरी हुई है, करीब $1 बिलियन की। शेन उसे आसानी से समझाने कहता है। डेक्स बताता है उन्होंने बैंक के सिस्टम में वायरस इंस्टॉल किया था। ये वायरस किसी भी अकाउंट से चोरों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है। इन ट्रांजेक्शन की सबसे खास बात तो ये है कि इन सभी ट्रांजेक्शन की अमाउंट सेम नहीं है और कोई भी अमाउंट $100 से ज्यादा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर सिक्योरिटी सिस्टम अमाउंट की साइज पर रहते हैं। अगर आप किसी एक अकाउंट से $1 मिलियन ट्रांसफर करें तो सबके नजरों में आ जाएगा, लेकिन मिलियन अकाउंट्स में से छोटे छोटे अमाउंट ट्रांसफर करें तो सिक्योरिटी सिस्टम को इसमें कुछ गलत नहीं लगेगा। शेन इन पैसों के बारे में पूछता है कि अब वो कहां है, लेकिन डेक्स को पता नहीं था क्योंकि ये वायरस पैसों को अलग अलग अकाउंट में जम करवा रहा है और कल सुबह तक ये पैसा उन अकाउंट में चला जाएगा जहां वो चोर चाहते थे, मतलब कल सुबह सनराइज तक। तब शेन को समझ में आता है इसीलिए स्कॉट ने कहा था वो सनराइज तक कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन शेन को ये समझ नहीं आता इसके लिए इतना बड़ा तमाशा क्यों, ये तो वो कहीं से भी कर सकते थे। लेकिन डेक्स बताता है जिस बैंक में ये सब हुआ है वहाँ रीजनल मैनेजर का टर्मिनल है, वहाँ से आप जितने चाहे उतने अकाउंट को
एक्सेस कर सकते हो। वहाँ से पासवर्ड हैकिंग की जरूरत नहीं, वहाँ से काम सीधा और आसानी से हो गया। शेन ये जानकर शॉक था कि बिलियन डॉलर की चोरी हो गई और ये उन्हें अब पता चला है। डेक्स कहता है जब उन्होंने बैंक की पावर कट की तब उन्हें वायरस छुपाने का मौका और वक्त मिल गया था। शेन को समझ में आता है उन्होंने सबको ऐसा दिखाया जैसे वो प्रिंस का लॉकर लूटने आए हैं, लेकिन उनका असली मकसद बैंक लूटना ही था। ये केओस थ्योरी है। डेक्स पूछता है अब वो आगे क्या करेगा, लेकिन शेन कहता है अब ये मामला उनके बस का नहीं है। जब शेन जा रहा था उसे स्कॉट का कॉल आता है। स्कॉट शेन की तारीफ करता है क्योंकि वो बहुत अच्छा पुलिस ऑफिसर है, लेकिन शेन को उसे पकड़ना है। वो उसे कॉप किलर कहता है, लेकिन स्कॉट कहता है उसने किसी बेगुनाह को नहीं मारा, उसे कैलो की जरूरत नहीं थी और कॉनर्स का नसीब खराब था। शेन कहता है उसे पैसों के बारे में पता है और वो बचेगा नहीं, लेकिन स्कॉट को कोई परवाह नहीं थी। अब शेन वापस जाकर पेपर्स में कोई क्लू ढूंढ रहा था। वहाँ मार्टिन आता है। शेन मार्टिन को बताता है उसे स्कॉट का कॉल आया था, उसने कहा उसे कैलो की जरूरत नहीं थी, लेकिन कैलो के बिना वो कुछ कर ही नहीं पाता, क्योंकि अगर कैलो पुलिस एविडेंस रूम से उसे पैसे लाकर नहीं देता तो स्कॉट बैंक में घुसने के लिए गुंडों को हायर ही नहीं कर पाता। लेकिन मार्टिन को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे लगता है अब स्कॉट शेन के साथ खेल रहा है, इसीलिए मार्टिन शेन को घर जाकर आराम करने कहता है। अब शेन फिर से डेड एंड पर आ चुका था, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद उसे कुछ याद आता है। वो तुरंत किसी को कॉल करता है। अब रात के 2 बजे शेन हैरी को इंट्रोगेशन रूम में बुलाता है। हैरी वही आदमी है जो एविडेंस रूम में रहता है। शेन उसे कहता है पूरा दिन उन्हें लगता रहा कैलो उन रॉबर्ट से मिला हुआ है, लेकिन उसने एविडेंस रूम के विजिटर रजिस्टर पर किए कैलो के साइन और उसके दूसरे साइन को मैच करवाया था। तब उसे पता चला रिकॉर्ड रूम के रजिस्टर पर किए कैलो के साइन नकली है, मतलब कैलो वो पैसे नहीं ले गया था। हैरी कहता है शायद कैलो के हाथ पर चोट लगी हो। उस बीच वहाँ टेडी भी आती है। शेन ने हैरी के बारे में भी पता करवाया था। 1 महीने पहले हैरी को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया गया था क्योंकि उसने कोर्ट में कैलो को पंच किया था, मतलब कैलो और उसकी बनती नहीं थी, मतलब हैरी ने ही कैलो के नकली साइन करके उन पैसों को निकाला था। लेकिन हैरी लगातार इस बात से मना कर रहा था। शेन कहता है 1 साल में वो रिटायर होने वाला है, उसकी पेंशन शुरू हो जाएगी और वो स्कॉट का साथ दे रहा है क्योंकि उसे लगता है उस ब्रिज पर उसके साथ नाइंसाफी हुई थी। हैरी बिल्कुल मानता था ब्रिज के केस में उसके साथ नाइंसाफी हुई थी। यहाँ गौर करने वाली बात तो ये थी शेन यहाँ किसी का भी नाम नहीं ले रहा था। शेन उसे समझाने की कोशिश करता है वो एक कॉप किलर का साथ दे रहा है। आज सुबह से ही वो और कॉर्नर उसके बस कुछ ही कदम दूर थे, लेकिन हर बार वो उन्हें चकमा देकर भाग गया। तब हैरी कहता है वैसे भी कॉर्नर से बेहतर उसे कोई जानता भी नहीं था, लेकिन यहाँ शेन थोड़ा हैरान होता है क्योंकि इतनी देर से वो स्कॉट कर्टिस की बात कर रहा था, लेकिन कॉर्नर तो स्कॉट कर्टिस को जानता तक नहीं था, बस उसने उसके भाई को मारा था। अब शेन यहाँ थोड़ा दिमाग लगाता है। कॉर्नर्स बहुत अच्छे से किसे जानता था और हैरी के हिसाब से किसके साथ उस ब्रिज पर नाइंसाफी हुई थी। तब शेन को समझ में आता है हैरी किसकी बात कर रहा है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। तब हमें पता चलता है उस ब्रिज पर क्या हुआ था। जब उस आदमी ने उस लड़की को गन पॉइंट पर ले रखा था तब वह सिर्फ कॉर्नर नहीं बल्कि उसका पार्टनर यॉर्क भी था, और उसका पार्टनर यॉर्क और कोई नहीं बल्कि AKA लॉरेंस AKA स्कॉट कर्टिस ही था। यॉर्क ही वो ऑफिसर था जिसने उस आदमी पर गोली चलाई थी, लेकिन लगातार हिलने से वो गोली उस लड़की को लग गई जिससे वो वही मारी गई, और कुछ ही देर बाद कॉर्नर्स ने उस आदमी को गोली मार दी। यॉर्क को हमेशा इस बात का अफसोस रहा, लेकिन बस ये एक एक्सीडेंट था। लेकिन कैलो ने उन दोनों के खिलाफ गवाही दी। अब शेन को समझ में आता है वो यॉर्क था जो लॉरेंस उसके बाद स्कॉट कर्टिस बनकर उन्हें बेवकूफ बना रहा था, और हैरी को इस बारे में सब पता था क्योंकि वो भी यॉर्क से मिला हुआ है, क्योंकि हैरी के मुताबिक ब्रिज के केस में उसके साथ नाइंसाफी हुई थी। यॉर्क कॉर्नर का पार्टनर था इसीलिए उसे कॉर्नर्स की सभी चालें पता थी। अपने दुश्मन कैलो को फंसाकर यॉर्क ने उसे मार दिया। कैलो के घर बैंक के ब्लूप्रिंट मिलना, प्रिंस के लॉकर की डिटेल मिलना, सब यॉर्क ने ही प्लान किया था। लेकिन यहाँ हैरी फ्लो में बोल देता है वो जो चाहे उसके साथ कर ले, लेकिन यॉर्क ने उसे कॉल करके बताया है वो यहाँ से जा रहा है और शेन उसे पकड़ नहीं पाएगा। अब शेन तुरंत डेक्स से हैरी को किए यॉर्क के कॉल की लोकेशन पता करवाता है, और कुछ ही देर बाद डेक्स ने उस कॉल की लोकेशन पता करवा ली थी क्योंकि यॉर्क ने एक मोबाइल से कॉल किया था। अब कुछ ही देर बाद किसी बीच के पास के एक डाइनर में हम यॉर्क को देखते हैं। वो वेट्रेस को $100 की टिप देता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है बाहर शेन और टेडी गन पॉइंट किए खड़े थे। शेन उसे सरेंडर करने कहता है। अब यह यॉर्क डरने का नाटक करने लगता है और मौका देखते ही उन पर हमला करके डाइनर के अंदर चला जाता है। शेन अंदर आकर देखता है यॉर्क ने उस वेट्रेस को गन पॉइंट पर पकड़ रखा है। यॉर्क समझ जाता है हैरी ने उसे बताया है। शेन उसे सरेंडर करने कहता है, लेकिन यॉर्क कहता है
ये बिल्कुल उस ब्रिज वाले हालात है। बस शेन की जगह पिछली बार वो खड़ा था और उसने वही किया जो उस वक्त करना चाहिए था, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। तभी वहाँ टेडी आती है, यॉर्क उस पर शूट करता है, फिर शेन की तरफ शूट करके लड़की को लेकर पीछे भाग जाता है। शेन जाकर टेडी को देखता है, उसके हाथ पर गोली लगी थी। शेन बाहर जाता है, वहाँ वो लड़की सही सलामत खड़ी थी। वो शेन को बताती है यॉर्क किस तरफ गया है। शेन कंटेनर के बीच जाता है, तब यॉर्क उससे कहता है शेन बहुत स्मार्ट है, लेकिन ये कहानी अलग है, इस कहानी में विलन की जीत होगी। अब यह दोनों में थोड़ी गन फाइट होती है। यॉर्क कहता है कॉनर्स को उसकी मौत का अफसोस होता, लेकिन उसे नहीं। फिर वो शेन की तरफ शूट करता है, शेन बच जाता है, लेकिन यॉर्क की गोलियां खत्म हो गई थी। अब यॉर्क गायब हो जाता है। शेन उसे ढूंढते हुए किनारे पर एक शिप के पास आता है, तभी अचानक यॉर्क उस पर हमला कर देता है। अब यहाँ दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। यॉर्क शेन पर भारी पड़ रहा था, लेकिन शेन को उसकी गन मिल जाती है और वो तुरंत यॉर्क को शूट कर देता है और यॉर्क वही पानी में गिर जाता है। जब शेन वहां जाकर देखता है यॉर्क की लाश ऊपर आ चुकी थी, मतलब ये केस अब यही खत्म हो चुका था। अब कुछ देर बाद वहां पुलिस और एम्बुलेंस आ चुकी थी। टेडी शेन को बताती है जब वो और कॉनर रिलेशन में थे तो कैसे संडे के दिन दोनों एक साथ रीडिंग किया करते थे। कॉनर्स के पास बहुत सारी बुक्स थी। टेडी अभी भी कॉनर्स को याद कर रही थी और वो हमेशा उससे प्यार करती रहेगी। अब टेडी वहां से चली जाती है। अब शेन बिल देने के लिए अपना पर्स निकालता है, लेकिन वेट्रेस उससे पैसे नहीं लेती। लेकिन तभी उस नोट से शेन को कुछ स्मेल आती है। उसे याद आता है ये वही स्मेल है जो डीमन के घर में मिले पैसों से आ रही थी, क्योंकि वो पैसे उनके एविडेंस रूम में थे। लेकिन तब शेन को याद आता है ये नोट तो कॉनर्स का है जो सुबह उसने रेस्टोरेंट में दिया था। ये पैसे कॉनर्स के पास कैसे आए? शेन तुरंत कॉनर्स के घर जाता है जहाँ बहुत सारी किताबें थी। वहाँ उसे एडवर्ड लॉरेंस की केओस थ्योरी की बुक भी मिलती है, मतलब कॉनर्स को केओस थ्योरी के बारे में बहुत पहले से पता था। यहाँ तक कि उसने उस बुक की कुछ लाइंस को हाईलाइट भी कर रखा था। अब शेन तुरंत एयरपोर्ट में फोन करके लॉरेंस या कॉनर के नाम की बुकिंग पूछता है, लेकिन इस नाम से कोई भी फ्लाइट बुक नहीं हुई थी। लेकिन तभी उसे बुक पर ऑथर का नाम दिखता है, जेम्स ग्लेक। अब शेन तुरंत एयरपोर्ट जाता है और रिसेप्शनिस्ट से जेम्स ग्लेक नाम की टिकट पूछता है। वो चेक कर रही थी तभी शेन को किसी का कॉल आता है और यहाँ मूवी का सबसे बड़ा सस्पेंस रिवील होता है। वो कॉल कॉनर्स ने किया था, मतलब वो अभी तक जिंदा था। कॉनर पूछता है उसे उस पर कैसे शक हुआ। शेन कहता है वो $10 वाले नोट से। कॉनर समझ गया था उसे यॉर्क के बारे में हैरी ने बताया होगा, क्योंकि हैरी को कॉनर के बारे में पता ही नहीं था। शेन कहता है वो तो गिव अप कर चुका था, लेकिन यॉर्क ने उसे कॉल किया था तब ही उसने फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू की। लेकिन कॉनर कहता है ये यॉर्क की नहीं बल्कि उसकी गलती थी, उसने ही शेन को कॉल किया था। कॉनर कहता है यॉर्क बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था, उसे लगा उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता। इस समय शेन कॉनर को एयरपोर्ट पर ढूंढ भी रहा था। कॉनर आगे कहता है हर चीज अपने प्लान के मुताबिक हो ये जरूरी नहीं, जैसे डेमंड की फुटेज मिलना, पैसों पर वो स्मेल, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस केस में उसके जैसा होशियार डिटेक्टिव आएगा। जब शेन ने उसे केओस थ्योरी के बारे में बताया कॉनर्स काफी इम्प्रेस हुआ था, क्योंकि शेन बिल्कुल कॉनर्स की तरह सोचता है, लेकिन कॉनर हमेशा से उससे एक कदम आगे था। शेन कहता है वो सुबह से रॉबर को ढूंढ रहे थे, लेकिन चोरी का मास्टरमाइंड उनके साथ ही था। यहाँ हमें पता चलता है कॉनर्स ने जानबूझकर बैंक की पावर कट करवाई थी, क्योंकि डेक्स ने बताया था पावर कट करने से ही रॉबर्ट्स को वायरस छुपाने का मौका मिला था। फिर हमें दिखाया जाता है कॉनर्स ने ही उस घर में लगे बम को ब्लास्ट किया था। उस आदमी को नॉकआउट करने के बाद कॉनर्स ने अपना पुलिस बैच वही रखी एक लाश में लगा दिया। वही एक सीक्रेट डोर भी था जिससे वो घर के बेसमेंट में पहुंचा। बेसमेंट में पहुंचते ही उसने पूरे घर को ब्लास्ट कर दिया, जिससे सबको लगा उस ब्लास्ट में वो भी मर चुका है। जब एम्बुलेंस वाले कॉनर्स की लाश समझकर उस बॉडी को ले गए, कॉनर उनके सामने से ही फायर फाइटर्स की ड्रेस पहन कर गया। शेन पूछता है वो लाश किसकी थी जिस पर उसका बैच मिला। कॉनर बताता है वो असली स्कॉट कर्टिस है, ब्रिज पर मारे गए किडनैपर जॉन कर्टिस का असली भाई स्कॉट कर्टिस। यहाँ हमें ये भी समझ में आता है जब कॉनर ने फोन पर पहली बार लॉरेंस मतलब यॉर्क से बात की थी, यॉर्क ने उसे इनडायरेक्टली बताया था यहाँ एक आदमी की मौत हुई है और हमेशा वो नहीं होता जैसा आप प्लान करते हो। शेन कॉनर को किलर कहता है, लेकिन कॉनर कहता है उसने किसी को नहीं मारा, उसने जिसे भी मारा है सबके सब गैंगस्टर थे, और रही केलो की बात तो वो वही डिजर्व करता था क्योंकि उसने ही उन दोनों के खिलाफ गवाही दी थी, क्योंकि वो हमेशा से कॉनर से जलता था। ये सब करने कहीं ना कहीं उसे केलो ने ही उकसाया था। कॉनर उसे याद दिलाता है 6 बज चुके हैं, पैसा ट्रांसफर हो चुका होगा और वो अमीर बन गया है। कॉनर बताता है उसका हैकर ली एक बहुत स्मार्ट और कमीना आदमी था, उसने एक हफ्ते के नकली ट्रांजेक्शन का सिस्टम पहले ही बना दिया है। अब पुलिस उन
ट्रांजेक्शन को ट्रेस करेगी। शेन कहता है फिर उसने उसे क्यों नहीं मारा, लेकिन कॉनर कहता है ये सब किसी को मारने के लिए नहीं था, बस अपने हक के लिए था। और वैसे भी कॉनर्स को उसे देखकर खुद की याद आती है। शेन को लगता है वो भाग नहीं सकता, लेकिन कॉनर्स कहता है वो तो कब का भाग गया है। अब इस चोरी का चेहरा यॉर्क था, लेकिन मास्टरमाइंड कॉनर है। इस बात को साबित करने शेन के पास कोई सबूत नहीं है, बस थ्योरी और वो $10 का नोट है जो काफी नहीं। शेन कहता है इतने साल उसका ड्यूटी करके कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो भी एक क्रिमिनल ही निकला। लेकिन कॉनर्स कहता है वो खुशी से ड्यूटी पर शहीद होने के लिए तैयार था, लेकिन जितना वफादार वो डिपार्टमेंट के लिए था, डिपार्टमेंट उनके लिए नहीं था। जब उन्हें डिपार्टमेंट की जरूरत थी, उन्होंने दोनों को उनके हाल पर छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनके खिलाफ गवाही भी दी, क्योंकि अब वो समझ गया है ये सिस्टम कभी तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरी तरह सड़ चुका है। इस सिस्टम से वफादारी रखने वाला इंसान दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है। कॉनर्स की इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। अब कॉनर्स शेन को गुड बाय बोलकर कॉल रख देता है। शेन को कॉनर कहीं दिखाई नहीं देता, और ना ही जेम्स ग्लेक नाम से किसी पैसेंजर प्लेन में टिकट बुक्ड है। फिर हमें दिखाया जाता है कॉनर पैसेंजर प्लेन में नहीं बल्कि चार्टर्ड प्लेन से जा रहा है। कॉनर अपने प्लेन में आकर शैंपेन का सिप लेता है, और जैसा यॉर्क ने कहा था इस कहानी में विलन की जीत होगी। कॉनर्स अमेरिका से उड़ जाता है, और इसी के साथ ये मूवी भी यही एंड होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया हो तो आप मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।